होडल थाना पुलिस ने गौरक्षा के सदस्यों के साथ मिलकर मथुरा की तरफ से मेवात की तरफ जा रहे गायों से भरे एक कंटेनर और एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक और कंटेनर से 49 गायों को बरामद किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको गौरक्षा के सदस्यों द्वारा सूचना मिली कि यूपी की तरफ से एक कंटेनर और एक ट्रक गायों से भरकर मेवात की तरफ जाएंगे। इनके अंदर भारी संख्या में गाय भरी हुई हैं, जो इन गायों को मेवात में काटने के लिए ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौसेवा के सदस्यों द्वारा मिली सूचना के आधार पर गौसेवा के सदस्य और पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर हसनपुर चौक पर वाहनों को रुकवाकर रोड जाम किया। जैसे ही गायों की तस्करी करने वाले ट्रक और कंटेनर के चालकों ने पुलिस को देखा तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों गाड़ियों को मौके से ही पकड़ लिया और दोनों आरोपियों को भी मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने जब ट्रक और कंटेनर की तलाशी ली तो एक ट्रक से 23 गाय, कंटेनर से 26 गाय बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी गायों को मथुरा यूपी से भरकर मेवात के गाँव उटावड़ में लेकर जा रहे थे। पुलिस ने सभी गायों को संगेल की गौशाला में छोड़ दिया है। पकड़े गए आरोपी तस्लीम मुफीद संभल यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाय पकड़ी है सर, कितनी गाय हैं और किस तरह से पकड़ी है, क्या कार्रवाई की गई है? आज रात को 12:30 बजे जी गौदल वाले हमारे पास आए थे जी, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ आ रही हैं मथुरा से, तो उनमें गौ भरी हुई है, तो हमने दोनों से टीम बना के हसनपुर चौक पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद कुछ ही समय बाद ट्रक आए, उनको रोका, उन्होंने रोकने पर उन्होंने हमारे ऊपर चलाने की कोशिश की, जो हमने भाग दौड़ के उनको काबू किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गौओं को गौशाला छोड़ दिया गया है। दो आदमी मौके से पकड़े हैं, बाकी भाग गए। एक ट्रक में 23 थी, एक में 26 थी, टोटल 49 गाय पकड़ी गई। मेरा नाम शैलेंद्र है, पड़े गौरक्षा दल से। हमें रात को सूचना मिलेगी गौवंश से भरकर गाड़ी होडल के रास्ते होते हुए मेवात जाएंगी। सूचना को सही मानकर होडल पुलिस के साथ हमने टीम के साथ नाकेबंदी की, जिसमें गौसेवा समिति होडल भगत सिंह रावत और मैं स्वयं शैलेंद्र इंदुपलवल और मोहन मानेसर के साथ नाकेबंदी की और दो गाड़ियों को पकड़ा, जिनमें टोटल 49 गौवंश थे जी, जिनको संगेल गौशाला में पुलिस के साथ खाली करवाया जी। देखो बहुत बड़े स्तर पर गौ तस्करी हो रही है, दिन प्रतिदिन पुलिस के सहयोग से भी और गौरक्षक दल भी डेली 2-3 गाड़ी कहीं ना कहीं पकड़ते हैं, फिर भी गौ तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर सरकार को कुछ अच्छे कानून लाने चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तस्करों को भी। इन्होंने खुला आतंक उठा रखा है, कभी भी कहीं भी गोलियाँ चला के भाग जाते हैं, कभी गायों को फेंक जाते हैं, कभी आमजन को टक्कर मार जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ इनके रोज ना रोज नए हादसे होते रहते हैं। मेवात में कम से कम 1000 से 1500 गौवंश प्रतिदिन गौ तस्करों के द्वारा काट दिया जाता है। ये जो सूचना थी यही उत्तर प्रदेश से भरकर होडल होते हुए मेवात जा रहे थे।